यूएन महासभा में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के तमाम आरोपों पर जबरदस्त पलटवार किया, उससे न सिर्फ पाक बल्कि उसका जिगरी दोस्त चीन भी बौखला गया है। पाकिस्तान के खिलाफ सुषमा स्वराज के तीखे हमले को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अहंकारी बताते हुए भारत के रुख की कड़ी आलोचना की है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जिस तरह से हाल ही के दिनों में भारत का विकास हुआ है, उसी वजह से भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीनी मीडिया ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर संबंध ने उसे अभिमानी बना दिया है। एक तरफ जहां चीन की मीडिया ने भारत को अहंकारी बताया, तो दूसरी तरफ उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या है। ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, लेकिन आतंकवाद का समर्थन करना क्या देश की राष्ट्रीय नीति है? आतंकवाद का निर्यात करके पाकिस्तान को क्या फायदा मिल सकता है, पैसा या सम्मान? आपको बता दें, सुषमा ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में दोनों देशों को आजादी मिलने के बाद से भारत की उपलब्धियों की पाकिस्तान से तुलना की थी और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को टेररिस्तान करार दिया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।